सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज 10 पीसी या फिर आपके विंडोज 10 लैपटॉप में आपका जो विंडोज स्टार्ट मेन्यू रहता है दोस्तों, उसकी सेटिंग को कैसे रिसेट करते हैं, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरी स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग्स जो है बहुत बिगड़ गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी इसकी जो ओरिजिनल जो सेटिंग्स रहती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, हम उसको जो है दोस्तों रिस्टोर करने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, एक भी स्टेप एक भी मेथड मत मिस कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, विंडोज़ की होल्ड करना है और आर प्रेस करना है, आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो और यहाँ पे आपको टाइप करना है REGEDIT रेजिड एडिट, आपको टाइप करना है और उसको जो है दोस्तों ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो है केयरफुली मेरे सारे स्टेप फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक्सटेंड करना है H की करंट यूज़र, इसको एक्सटेंड कीजिए और उसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर मिल जाएगा, उसको एक्सटेंड कीजिए और नीचे स्क्रॉल कीजिए दोस्तों और फाइंड आउट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट, उसको एक्सटेंड कीजिए और फिर से नीचे स्क्रॉल कीजिए और आपको फाइंड आउट करना है विंडोज़, विंडोज़ में आपको फाइंड आउट करना है करंट वर्जन और उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों क्लाउड स्टोर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको एक्सटेंड कीजिए और उसके बाद स्टोर को एक्सटेंड कीजिए और उसके बाद स्टोर वाले फोल्डर में आपको एक और फोल्डर मिल जाएगा कैचे का, उसको एक्सटेंड कीजिए और उसके अंदर आपको और एक फोल्डर मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट अकाउंट का। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस पर राइट क्लिक करना है और ये वाले जो फोल्डर को आपको डिलीट कर देना है, डैट सेट। डिलीट करने के बाद आप अपने रजिस्टर एडिट को क्लोज कीजिए और आप अपने टास्क बार पे राइट क्लिक कीजिए और टास्क मैनेजर को ओपन कीजिए। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर, उस पर राइट क्लिक करना है आपको इस तरीके से और जस्ट रिस्टार्ट पे क्लिक करना है, डैट सेट। उसके बाद अभी आपका जो स्टार्ट मेन्यू रहता है इसकी ओरिजिनल सेटिंग्स में रिसेट हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी आपका जो स्टार्ट मेन्यू था अभी वो टोटली रिसेट हो गया है, इसकी जो ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहती है वो यहाँ पे वो रिस्टोर हो गई है। तो ये एक ईजी और एक काफ़ी सिंपल मेथड है दोस्तों, आप अपने विंडोज़ 10 में जो है इस तरीके से आप अपने स्टार्ट मेन्यू को रिसेट कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल सेटिंग्स में। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा और सिंपल सा वीडियो है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।